कि कांग्रेस पार्टी कल एग्जिट पोल पर डिस्कशन का बहिष्कार कर रही है। कई समय से कांग्रेस पार्टी डिनायल मोड में आ रही है। ये पूरा इलेक्शन ये कैंपेन करते रहे कि हमारा बहुमत आने जा रहा है, बहुमत आने जा रहा है। अब उनको भी स्थिति मालूम है कि कल के चुनाव के बाद आने वाले एग्जिट पोल में इनकी प्रचंड हार होने वाली है और किस मुंह से वो मीडिया को फेस करें। इसलिए एग्जिट पोल की पूरी एक्सरसाइज को ही नकार रहे हैं कि एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, 4 तारीख को परिणाम आने हैं। एग्जिट पोल कई समय से चल रहा है, हर बार वो हिस्सा लेते हैं, मगर इस बार हार के कारण एक्सप्लेन न कर पाने की स्थिति में वो इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी वैसे भी जब से राहुल गांधी मुख्य व्यवस्था में आए हैं कांग्रेस पार्टी की, डिनायल मोड में जी रही है। सुप्रीम कोर्ट से कोई अनुकूल जजमेंट नहीं आता है तो न्यायिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देना, इलेक्शन कमीशन की प्रोसेस पर सवाल खड़े कर देना, ईवीएम पर सवाल खड़े कर देना, पार्लियामेंट में बहस करने की जगह पार्लियामेंट छोड़कर भाग जाना, संवैधानिक पदों की अवहेलना करना, इनकी मिमिक्री करना और एजेंसियों पर भी सवाल खड़ा करना। मुझे लगता है कि राहुल गांधी के कांग्रेस में मुख्य व्यवस्था में आने के बाद कांग्रेस देश की सभी प्रकार की संस्थाएं, चाहे मीडिया हो, चाहे न्यायिक व्यवस्था हो, चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग हो, चाहे एजेंसियां हो, सबके सामने डिनायल मोड में आ चुकी है। ये इसी का परिणाम है कि ये कल के एग्जिट पोल का बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कांग्रेस के नेताओं को कहना चाहता हूं कि शत्रुमुख वृत्ति से कभी किसी का फायदा नहीं होता, डटकर हार का सामना करना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कई चुनाव हारे मगर हमने कभी मीडिया का बहिष्कार नहीं किया, एग्जिट पोल का बहिष्कार नहीं किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एग्जिट पोल होगा वो 400 पार के भारतीय जनता पार्टी के नारे को जमीन पर उतारने वाले नतीजे लेकर आएगा। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में, टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है, लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत, इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत देश का महापर्व
आज आम चुनावों यानी कि लोकसभा 2024 चुनाव का आखिरी वोटिंग फेज है। आज भारतवासियों द्वारा दिया गया एक एक वोट ये तय करेगा कि इस देश की दिशा और दशा क्या होगी। लोगों के लिए बने स्कूल, अस्पताल, स्कूली शिक्षा, दवा दवाई, इलाज कैसा होगा और हमारे देश का लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, ये आज वोट की ताकत से देश की जनता तय करेगी। ये वोट देने का अधिकार बहुत लंबे संघर्ष के बाद हम सब भारतवासियों को दिया गया। मैं आज हाथ जोड़कर विनती करना चाहूंगा, प्लीज एक्सरसाइज योर राइट टू वोट। गर्मी बहुत है, छुट्टी का भी दिन है, लेकिन आज अगर हम वोट देने से चूक गए तो 5 साल तक फिर ये वोट देने का मौका नहीं आएगा, अपनी सरकार चुनने का मौका नहीं आएगा। मैं वोट के बारे में कुछ नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन कोर्ट के अंदर है। मेरा वोट देना फर्ज था, फर्ज दिया एज ए नागरिक। लाइन में खड़ा हुआ, लाइन से बाहर नहीं गया। लोगों ने कहा कि आप आगे आके दीजिए, मैंने कहा नहीं, लाइन में खड़ा होकर वोट दूंगा मैं 40 मिनट तक। आपने देखा होगा मैं खड़ा ही हूँ, वोट देकर आ गया, बस खत्म। अभी मेरा जो काम था 30 तारीख तक, मेरे सेंट्रल कमेटी जो हमारे बॉस है हमको कहा था कि ये करने को, मैंने कर दिया। मेरा राजनीतिक कर्तव्य था वो मैंने कम्प्लीट किया। अभी आज से मैं फिल्म लाइन में घुस रहा हूँ, मेरे को कुछ खाना भी तो है, पेट चलाना है ना, तो आज से मैं सिर्फ फिल्म लाइन की बात करूंगा। राजनीति घर से निकले, वोट करें, संविधान, आरक्षण, लोकतंत्र को जो लोग खत्म करना चाहते हैं और जिन लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी लाई है, पढ़ाई है, उनके खिलाफ वोट का चोट करें और घर से निकले। देखिए ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में ज्यादा से ज्यादा लोग जो है भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। और देश का संविधान, लोकतंत्र जो बाबा अम्बेडकर ने जो लिखा है, आज हम सब लोगों को मिलकर उसकी हिफाजत की घड़ी आई है और इसको हम लोगों को हिफाजत करना है, बचाना है और देश को आगे बढ़ाना है। ଛତ୍ରବାଦ ବିରୋଧରେ ସେ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାକୁ ସେ ବଦ୍ଧପରିକର। ଏଥିପାଇଁ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଦେବାକୁ ହୁଏ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ।